हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आपका स्वागत है मेरे चैनल रिलायबल आकांक्षा में। आपको पता है रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, और आप लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि आपके भरोसे पर खड़ी उतरूँ। आप सभी को पता है विंटर इज़ नॉकिंग द डोर, ठंड ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। और ठंड के आते ही हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे होठों का फटना, स्किन का रूखा और बेजान होना, एड़ियों का फटना, हाथ और पैर का रूखा होना, बालों में डैंड्रफ। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम हैं जो सबको होती हैं, और विंटर्स में हम सभी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इन सारी समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी होठों का फटना। सर्दियों के आते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके होंठ फटने लगते हैं। उनके ऊपर से पपड़ी जैसी कुछ जम जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? आप लोगों को पता होगा, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि रात में सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल डाल लो, 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद। मुझे भी ये बातें कई लोगों द्वारा सुनने को मिली थी, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि नाभि का होठों से क्या कनेक्शन, मुझे ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। लेकिन पिछले विंटर जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे 3 से 4 दिन में ही डिफरेंस पता चल गया। तो अगर आपको या आपके बच्चों के होठ फटते हैं तो आप रात में नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल डालिए और सभी के होठों पर मुस्कान बनी रहेगी। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये आजमाया हुआ नुस्खा है और आप लोग भी जानते होंगे इसे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होकर के क्या होता है, इतना ज़्यादा वो ड्राई हो जाता है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो फटने लग जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप रात में सोते हैं तो अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करिए, और क्लीन करने के बाद गाय का जो शुद्ध घी होता है, घर का जो घी होता है, वो आप लेकर के अपने चेहरे पर लगाइए और सो जाइए। और सुबह आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, उसके क्रैक्स ठीक हो गए हैं। तो आप पूरे विंटर्स इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपके फेस कभी रूखे नहीं होंगे, कभी वो नहीं फटेंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ठंड में एरिया बहुत ज़्यादा फटने लग जाती हैं, वो कभी कभी इतनी ज़्यादा फट जाती हैं कि उससे ब्लड आने लग जाता है, उससे खून निकलने लग जाता है और हमें चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका क्या उपाय है कि आप रात में जब भी सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आप अपने पैरों को साफ़ कीजिए, गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा सा ग्लिसरीन डालिए, कोई भी शैम्पू डाल लीजिए थोड़ा सा, और उसमें आप 10 से 15 मिनट अपने पैरों को डुबो करके रखिए। जब क्या होगा कि जब उसका जो डेड सेल्स है एरियों का, वो जब सॉफ्ट हो जाएगा तो उसे किसी चीज़ से रगड़ करके, आप फ्यूमिक स्टोन से या ब्रश की हेल्प से रगड़ करके आप उसे साफ़ कर लीजिए, और उसके ऊपर आप वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या फिर बोरो प्लस या बोरोलिन कुछ भी लगाइए और सॉक्स पहन करके सो जाइए। ऐसा आप 1 वीक तक करेंगे लगातार, तो आपके फटे हुए जो एरिया हैं वो ठीक हो जाएंगी, और उसे आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए पूरे विंटर्स, तो आपके जो एरिया हैं वो कभी नहीं फटेंगे और हमेशा सॉफ्ट और मुलायम बने रहेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, अगर आप उसके ऊपर गलती से नाखून लग जाए तो वो वाइट लाइनिंग सा हो जाता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए मैं आपको कॉमन सा बात बताऊंगी, आप ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू, ये तीनों चीज़ें आप लीजिए और तीनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके एक बॉटल में भर करके आप रख लीजिए, और नहाने के बाद आप इसे मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कीजिए। जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसी तरह से आप इसे यूज़ कीजिए, तो बिलीव मी, आपको विश्वास नहीं होगा, आपके हाथ पैर कभी रूखे नहीं लगेंगे, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं पूरे विंटर्स इसी को यूज़ करती हूँ, मैंने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लिया है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और विंटर्स में सबसे ज़्यादा परेशान हमें जो करती है वो चीज़ें हैं बाल में डैंड्रफ होना। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, स्किन बहुत ज़्यादा, स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बालों में डैंड्रफ हो जाती है, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप दही लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 नींबू का रस डालिए और 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालिए, और तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और उसे अपने बालों, स्कैल्प के ऊपर और अपने बालों के ऊपर अप्लाई कीजिए, और 15 से 20 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, स्पेशली विंटर्स में,
जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम बॉयलिंग करिए, लेकिन डबल बॉयलर की हेल्प से, मतलब एक बर्तन में आप पानी गर्म कर लीजिए और उसके ऊपर किसी भी चीज़ में तेल डाल करके रखिए, वो गर्म तेल आप अपने स्कैल्प के ऊपर लगाइए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी स्कैल्प आपकी। और कोशिश कीजिए कि इन सारी चीज़ों की जड़ को ख़त्म करें। और इसकी जड़ क्या है पता है? जड़ ये है कि आप लोग ठंड में विंटर्स में पानी पीना कम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग सोचते हैं अरे ठंड है, ठंड में पानी की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी स्किन अंदर से अगर हाइड्रेट नहीं होगी तो ऊपर से सूखी और बेजान ही लगेगी। तो विंटर्स में भी आप उतना ही पानी पीजिए जितना आप समर में पीते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने विंटर्स में आप सभी के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। और आप भी अपना भरोसा दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।